दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके परिवार में या खुद अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में जिसके जरिए दोस्तों आप पचास लाख का स्कॉलर जीतने का मौका आपको मिलता है साथ में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो है कैश प्राइज़ भी मिलता है इक्यावन सौ का अलग अलग यहाँ पर जो है स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज़ या यहाँ पर स्कूल लेवल वाइज़ अगर आप इसमें चयनित होते हैं तो आपको अलग अलग कैश प्राइज सर्टिफिकेट और मेडल भी यहाँ पर दिया जाता है ठीक है तो इसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ एक और चीज़ दोस्तों तो इसको आपको एग्जाम देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप अपने घर से भी इसके लिए यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं ठीक है थीके? तो ये यह दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट है तो आप सभी को दोस्तों इस यहाँ पर हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में जानना चाहिए और अपने परिवार में जो भी कैंडिडेट एक से लेकर बारहवीं तक पढ़ते हैं उनका ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें क्योंकि आपको इस चैनल पर हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिक एंड जनवन के गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों आप हिंदुस्तान ओलंपियाड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको बैनर देखने को मिल जाएगा आ, हिंदुस्तान ओलंपियाड ट्वेंटी ठीक है और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एनविन कैश स्कॉलरशिप वर्थ फिफ्टी लाख ठीक है इसके अलावा नीचे जाएंगे नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पर ओलंपियाड स्टेट टॉपर की लिस्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है अगर आप भी इसमें टॉप करते हैं स्टेट टॉपर होते हैं तो आपकी भी दोस्तों फोटो जो है यहाँ पर हिंदुस्तान ओलम्पियड की वेबसाइट पर यहाँ पर शो करेगी ठीक है तो आपको यहाँ पर जो है टॉप करने वाले की फोटो जो है यहाँ पर दिखाई जाएगी ठीक है इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर नीचे अबाउट हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में बताया हुआ है और इसमें देख सकते हैं क्लास वन टू ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बता रखा है टू बी टेकन फ्रॉम द कंफर्म ऑफ योर होम आप अपने घर बैठे ही इसके लिए एग्जाम जो है देख सकते हैं कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है ठीक है एग्जाम जो है दो लेवल में कन्डेक्ट कराया जाएगा पहला जो लेवल होगा ओपन बुक माध्यम से होगा दूसरा जो है यहाँ पर प्रोक्टोरेट यहाँ पर बेस पे होगा प्रोक्टोरेट क्या होता है दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे प्रोक्टोरेट वो चीज वो एक प्रोटेरेट जो है एक प्रकार का क्या है सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर क्या करेगा एक विजिलेंस का काम करेगा अगर आप घर बैठे आप एग्जाम दे रहे हैं ताकि आप किसी प्रकार का कोई भी चीटिंग वगैरह ना कर पाएँ आप किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी ना कर पाएँ उसको यहाँ पर नज़र रखने का काम करता है प्रोटेट सॉफ्टवेयर ठीक है और ये जो है आपका वेब हो गया या आपका ऑडियो हो गया आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी है उसको उसको यहाँ पर मॉनिटरिंग करने का काम करता है ठीक है तो एक तरीके से यहाँ पर जो है ये प्रोडक्टेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप किसी प्रकार का कोई चीटिंग वगैरह ना कर सके एग्ज़ाम के दौरान ठीक है अगर आप पकड़े जाते हैं इस सॉफ्टवेयर ने आपको पकड़ लिया तो आपको ऑन द स्पॉट डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है ठीक है ये सारी चीज़ें इसके अलावा शेड्यूल के बारे में बताया हुआ दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं बाईस फरवरी दो तेईस है इसी प्रकार से लेवल वन का एग्जाम वन टू थ्री थर्ड मार्च है लेवल टू का एग्जाम बारह मार्च है और यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं अठारह उन्नीस यहाँ पर मार्च है ठीक है इसके अलावा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बाकी की जानकारी दी गई है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक्साइटिंग प्राइस टू बी वॉर्न मतलब यहाँ पर किसको क्या मिलेगा जैसे कि आप स्कूल लेवल में टॉप करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर प्राइज़ के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ पर फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास के बच्चे यहाँ पर टॉप करते हैं तो उनको दोस्तों इक्कीस सौ रुपये धनराशि के साथ साथ यहाँ पर मेडल वगैरह के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगर आप स्टेट टॉपर होते हैं तो आपको इक्यावन सौ रुपये की धनराशि साथ में सर्टिफिकेट मेडल वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस एग्ज़ाम को यहाँ पर क्वालिफाई ते हैं तो आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी जाती है ठीक है इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहां पर क्लियर कर देता हूं सर्टिफिकेट और स्कूल और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और नेशनल से अगर आप टॉप करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें यहां पर मिलेगी तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे अगर आप स्कूल लेवल पर टॉप करते हैं अगर आपकी फर्स्ट कोई फर्स्ट आता है स्कूल लेवल पे तो आपको दोस्तों गोल्ड मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है अगर आप सेकंड आते हैं स्कूल लेवल में ही सिल्वर मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेट मिलेगा थर्ड आते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है अब बात करें अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ टॉप करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर पच्चीस सौ रुपये की धनराशि मिलेगी साथ में आपको गोल्ड मेडल मिलेगा साथ में आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा ठीक है अगर आप थर्ड आते हैं तो ग्यारह सौ रुपये की धनराशि प्लस ब्रॉन्ज मेडल प्लस यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा ठीक है ये तो हो गया दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर आप स्टेट लेवल में टॉप करते हैं और स्टेट लेवल में आपकी रैंक आती है फर्स्ट पोजीशन तो फर्स्ट पोजीशन वाले को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा ट्रॉफी ठीक है ट्रॉफी मिलेगा साथ में गोल्ड मेडल मिलेगा साथ में दोस्तों कैश प्राइज़ जो है इक्यावन सौ का कैश प्राइज़ मिलेगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा सेकंड वाले को सिल्वर मेडल और इकतालीस सौ रुपये का कैश प्राइज़ प्लस यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा थर्ड वाले को ब्रॉन्ज और इकतीस सौ रुपये प्लस यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा ठीक है और अगर आप नेशनल लेवल में फर्स्ट रैंक आती है अगर आप नेशनल में फर्स्ट रैंक आपकी आती है ठीक है तो आपको यहाँ पर ट्रॉफ़ी मिलेगी ठीक है इसके अलावा गोल्ड मेडल मिलेगा प्लस इक्कीस हज़ार रुपये की धनराशि मिलेगी और एक साल का मटेरियल सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री हो जाएगा एक साल के लिए मटेरियल सब्सक्रिप्शन फ्री साथ में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है अगर आप सेकंड आते हैं नेशनल में तो आपको सिल्वर मेडल मिलेगा साथ में आपको एक पंद्रह हज़ार रुपये की धनराशि मिलेगी प्लस सिक्स मंथ का एजुकेशन सब्सक्रिप्शन आपका फ्री कर दिया जाएगा और अगर आप थर्ड आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिल्वर मेडल मिलेगा थर्ड आज को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा साथ में आपको ग्यारह हज़ार रुपये की धनराशि और तीन मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जो एजुकेशन सब्सक्रिप्शन है वो फ्री कर दिया जाएगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा चाहे आपने स्टेट या नेशनल या आपने डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल में सभी के सर्टिफिकेट पे जो सिग्नेचर होंगे वो हिंदुस्तान मीड हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें दोस्तों मान लीजिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या इसमें फीस वगैरह भी देना होगा जी हाँ फीस जो है मात्र इसमें दो सौ रुपये यहाँ पर आपको देना होगा अब चलते हैं अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने के लिए साइड कॉर्नर में देख रहे हैं रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप दो मेथड से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पहला जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए स्कूल और दूसरा जो है रजिस्टर्ड एज ए स्टूडेंट अगर आप स्वयं रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड एज ए स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो दोस्तों क्लिक करने क्लिक करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर साइनअप के लिए मांग रहा है तो इसमें दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरनी है सबसे पहले क्रिएट यूजर नेम में अटलीस्ट छः करेक्टर आपको यहाँ पर डालने हैं उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नाम में अपना नाम डालना है ई मेल आई डी यहाँ पर डालना है ठीक है यहाँ पर फ़ोन नंबर पेरेंट्स फ़ोन नंबर यहाँ पर मैंशन करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छः करेक्ट का पासवर्ड जो है छः करेक्टर का पासवर्ड जो है आपको क्रिएट करना है याद रखिएगा जो पासवर्ड है स्मॉल कैपिटल या ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे अल्फ़ाबेट में यहाँ पर लिखना है नंबर में भी यहाँ पर ऐसे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है ठीक है दोनों में कन्फर्म करना है और वेरीफाई कॉन्टेक्ट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल चुका है सबसे पहले यहाँ पर जो है अपना क्लास यहाँ पर बताना है कि आप किस क्लास में हैं तो अपना क्लास जो सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका क्लास है या जिसका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका क्लास यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाया जाएगा उस स्टेट में जो भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो सब कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाया जाएगा स्कूल दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो वो स्कूल भी आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये ऑप्शनल है कूपन कोड इसको छोड़ देना है और यहाँ पर छोटा सा बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है आपको छोटा सा बॉक्स आई एग्री वाला इसको आपको टिक मार्क कर लेना है ठीक है टिक मार्क करने के बाद पे एंड रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर जो है पेमेंट का मेथड यहाँ पर ओपन हो चुका है आप कार्ड के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई गूगल पे फोनपे पेटीएम और नीचे दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको सिर्फ दो सौ रुपये का ही पेमेंट जो है यहाँ पर करना होगा ठीक है तो इसी के माध्यम से आपको पेमेंट करना है तो आप सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन रेजिट्रे, वगैरह आपका यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाएगा और इसी को आपको फॉलो करते हुए फॉर्म फिलअप करना है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही और